भारत में ध्यान के विषय में बहुत ज़्यादा खोजें हुई हैं, बहुत ज़्यादा समय दिया है यहाँ के ऋषि मुनियों ने, और किस लिए दिया समय, इसलिए दिया क्योंकि यह जो सामान्य जीवन था जिसमें कि लोग अपने घर में खेती करना या कोई व्यापार करना, शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना और इस तरह से जो जीवन था, इस जीवन से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनको लगा कि जिंदगी का एक समय इसमें ठहराव हो जाता है, इसके बाद भी और भी कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, और इस जीवन ने जो उनको कष्ट दिया और ये जो विराट अस्तित्व वे देखते थे और सूक्ष्म अस्तित्व जो वो देखते थे, सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा चीज़ जो देखते थे, उनको इस विषय में एक जिज्ञासा जगी कि आखिर ये कहाँ तक है, कैसा है और इनके बीच में आपस में संबंध क्या है और फिर हमारा इनके साथ क्या संबंध है। और मनुष्य को कुछ भी होता है, कोई भी घटना घटती तो क्यों घटती है, रोग होता है तो क्यों होता है, आदमी मरता है तो फिर क्या होता है, जन्मता क्यों है और हम लोग किसी से मिलते क्यों हैं, और फिर इतने पशु पक्षी, इतने वनस्पतियाँ, आखिर इनका इन पदार्थों के साथ कैसा संबंध है, आपस में कैसा संबंध है। तो इन जिज्ञासाओं के कारण वे लोग अपने मस्तिष्क को दौड़ाना शुरू किए, हम कैसे सुख पाते हैं, कैसे दुख पाते हैं या किसी भी घटना से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस विषय पर उन्होंने शोध शुरू की। और फिर वहाँ से वास्तव में जो क्या योग है उसकी शुरुआत होती है। योग की वास्तविक शुरुआत तो धारणा ध्यान से ही होती है, इसके पहले तो सिर्फ तैयारी होती है जो कि आम लोगों में जो प्रचलित है, जो आसन हैं या नियम हैं या प्राणायाम हैं, अमूमन यहीं तक सामान्य गृहस्थ यहीं तक कुछ कर पाता है आज भी। इसके बाद ध्यान तो बहुत कम लोग जाते हैं और ध्यान के बाद समाधि में तो और भी कम लोग जाते हैं, और समाधि के बाद एक और अवस्था आती है कैवल्य की, उसमें तो उससे भी और कम जाते हैं। तो यह जो क्रमशः जो ये विकास है, एक तरह से हम लोग का मानसिक विकास है और हम लोग के अनुभवों का विकास है, किस तरह से हम लोग अनुभूत करते हैं, क्योंकि हम लोग का सामान्यतः जो अनुभूत करते हैं वो अपनी इन इंद्रियों से महसूस करते हैं, यानी इन आँखों से, कान से, नाक से या त्वचा से या जीभ से, इन चीज़ों से ही हम लोग सामान्यतः किसी चीज़ को महसूस करते हैं। परंतु क्या हमारे महसूस करने की यही चीज़ें हैं, यही उपकरण हमारे पास हैं या और भी उपकरण हैं, इसकी भी खोज शुरू हुई। क्या हमारे शरीर में और भी कुछ ऐसा है या अन्य के भी शरीर में ऐसा और भी कुछ है जिससे कि हम और भी कुछ गहरे तल पर जाकर कुछ महसूस कर सकें। इन इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि हम सूंघ सकते हैं तो कहाँ तक सूंघ सकते हैं, कुछ दूरी तक जाने के बाद फिर गंध का हमको एहसास नहीं होता, या हमारी नज़र कुछ दूर जाने के बाद फिर दूर की चीज़ों को फिर नहीं देख पाती, या कान जो है बहुत दूर की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो इसकी जो सीमाएं हम लोग का जो स्पर्श है, जैसे मान लो कुछ तेज़ हवा चली तो कुछ पता चला, अगर हवा बहुत धीमी हो जाए तो हमें स्पर्श का पता नहीं चलता, कोई हमें छू दे तो भी पता चलता है। तो इस पर भी खोज शुरू हुई कि आखिर हमें किसी के स्पर्श की अनुभूति कहाँ तक होगी, कैसे होगी। अब इन खोजों से जो निष्कर्ष निकला, वही निष्कर्ष जो है यह ध्यान है, इसमें कि हम अपने भीतर के और बाहर की चीज़ों का एक अलग तरह से अनुभवन करें, जो आँखों से देखते हैं उस तरह से नहीं, जो कानों से सुनते हैं उस तरह से नहीं। एक छोटा सा मतलब आपको अभी जहाँ हैं वहाँ से मैं बताऊँ, जैसे कभी कभी जैसे जोर से चलने के बाद दिल धड़कता हुआ महसूस होता है, उसको हम ना आँखों से देखते हैं, ना कान से सुनते हैं, ना मुँह से चखते हैं और ना ही स्पर्श की अनुभूति होती है।
परंतु हम लोग को पता चलता है ना दिल धड़क रहा है, परंतु ऐसा कब होता है? जब काफ़ी हार्ट बीट तेज हो जाए, जब हम कुछ दौड़ जाएं या हमें इसकी परेशानी ही हो जाए हृदय संबंधी। उसी तरह से जब दर्द होता है तो वह दर्द भी हमें महसूस होता है, उसे हम इन इंद्रियों से नहीं महसूस करते, उसको महसूस अलग तरीके से किया, अलग स्तर पर किया जाता है। अब उसकी भी खोज भी कि आखिर दर्द कैसे महसूस होता है, कहाँ से महसूस होता है, और जिस तरह से हम दर्द महसूस करते हैं उसी तरह से क्या अन्य भी अनुभूतियाँ हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इस चीज़ की भी खोज होगी। उसके बाद कुछ लोग, आप जानते ही हैं कितने लोग जो है ड्रग लेते हैं, बहुत सारे रसायन लोगों ने लिए इसी दुख दर्द से निवारण के लिए, या कुछ लोगों ने प्रयोग के तौर पर लिए, चरस है, गांजा है, भांग है, हेरोइन है, खैनी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन सब का प्रयोग किए और करने के बाद उनको लगा कि कुछ अलग तरह की अनुभूति होती है जो कि हमें सामान्यतः अनुभूति नहीं होती। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी रसायन हैं जिनका यदि हम सेवन कर लें तो हम जो सामान्यतः जो इन पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं उससे अलग तल पर जा कर के हम कुछ महसूस करते हैं। तो आखिर उसी तल पर जा कर के महसूस करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए अपने से, बिना उन चीज़ों का सेवन किए भी? क्या बिना उन चीज़ों का सेवन किए भी हम कुछ और महसूस कर सकते हैं? या कभी किसी को किसी कीड़े ने काट लिया, मान लीजिए जैसे कि बिच्छू ने डंक मार लिया, तो जब बिच्छू ने डंक मारा, आप लोगों में से जिनको मारा होगा उनको पता होगा काफ़ी जलन होती है, लेकिन जब उसका जहर उतरता है कुछ घंटों के बाद तो फिर वह झिमझिमाता है शरीर में और एक मस्ती देता है। यानी जहर की मात्रा जब धीरे धीरे घटने लगती है तो आदमी को सुख की अनुभूति होती है। तो दर्द का सुख के साथ यहाँ पर एक संबंध सा दिखता है कि दर्द किस तरह से सुख में परिवर्तित हो रहा है। उसी तरह से मनुष्य को जो अन्य सुख मिलते हैं तो मनुष्य पता लगाता है कि आखिर वह जो सुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, आखिर हमारे शरीर में ऐसी कौन सी घटना घट रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है जिससे कि हमें सुख मिल रहा है, और उस सुख के कारण जो है हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वह चीज़ हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ है ऐसी है, क्या शरीर में कौन सा रसायन बन जाता है जिसकी वजह से हमें वह सुख मिलता है और उसकी ओर हम प्रवृत्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी शोध शुरू हुए, और इन सब सारी चीज़ों का जो रहस्य आया है वह है ध्यान से। तो अब इस ध्यान का जो प्रथम चरण है वह धारणा कहलाता है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ध्यान जो है वो हम लोग ध्यान में जाना चाहते हैं, और जो उनके मन में ख्वाहिशें थी, जो इच्छाएं थी, जो प्रश्न थे, वो हम सबके दिमाग में भी हैं, आप सबके भी दिमाग में होंगे, और जिनके दिमाग में होते हैं वे फिर उस रहस्य की ओर जाना चाहते हैं। वे सामान्य जीवन से अब संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सामान्य जीवन एक समय आने के बाद फिर जो है स्थिर हो जाता है, फिर वो कुछ अनुभूति नहीं दे पाता। हालत ये हो जाती है कि वही डेली का रूटीन, वही खाना, वही टट्टी करना, वही सोना, वही बात करना, सब एक बिल्कुल एक रूटीन हो जाता है, और वह व्यक्ति को एक नया जो है आयाम में नहीं ले जा पाता है जहाँ क्योंकि कुछ वो अलग से महसूस कर सके कुछ। और इसके लिए फिर कुछ जो है लोग अंत में स्पोर्ट्स वगैरह का ईजाद करने लगते हैं कि कुछ रोमांच हो जीवन में, तो कोई बहुत पहाड़ों पर चला जाता है, तो कोई नदी नालों में सैर सपाटा करता है कहीं, तो परंतु उन सब चीज़ों से भी उसको क्या होता है कि इन्हीं इंद्रियों से वह महसूस करता है उन सब चीज़ों को। आप पहाड़ पर जाएंगे तो इन्हीं आँखों से देखेंगे, इन्हीं कानों से सुनेंगे, जो भी है। तो इन जो पांच जो हम लोग की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनसे ही महसूस करने के कारण जो है उसे वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तब उसकी खोज होती है कि नहीं, हम किसी अन्य जगह भी जाएंगे, अन्य चीज़ को भी तलाशेंगे। तो वह है अपने भीतर जाना, अपने भीतर प्रवेश करना, और यह जो है ये ध्यान का यहाँ पर जो है अब हम लोग को एक कालांतर से, इतने समय से हम लोग को परंपरा से एक भेंट के रूप में हम लोग को आज उपलब्ध है, और इस पर हम लोग भी अपना कुछ शोध कर सकते हैं, और जो शोध किया हुआ है उस पर भी हम लोग चल करके टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक अपने जीवन का एक नया आयाम खोल सकते हैं, और देखेंगे कि हम इसमें क्या पाते हैं।
क्या कुछ अलग अनुभूत होता है कि हम लोग का शरीर जिस तरह से बना है, जितना बना है, क्या हम लोग का शरीर इतना ही है, इतना ही हाड़ मांस का ही शरीर है, या और भी कुछ हम लोग में है? एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है जो साधक है उनके दिमाग में, जो ऋषि रहे हैं, जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन सबके दिमाग में, कि क्या ये हाड़ मांस खून रक्त मज्जा ये सब जो हैं, क्या इतने ही तक हम लोग हैं या इससे भी और कुछ हम लोग हैं? और यदि हम लोग कुछ और हैं तो उसकी खोज होनी चाहिए, और उससे क्या हम लोग को मिलता है यह जानना चाहिए, क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ के लिए यह ध्यान है, और यह ध्यान साधना गीता में ध्यान योग ही है, पूरा एक अध्याय है इसी पर। और जितने ऋषि महर्षि हुए हैं अब तक, उन सभी ने ध्यान के विषय में अवश्य प्रवेश किया है, और जिसने प्रवेश नहीं किया वो ऋषि महर्षि कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि नया आयाम जब तक आप नहीं देंगे और नए आयाम में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये सब सिर्फ बाह्य इंद्रियों से बहुत ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं किया जा सकता है तय, और फिर आप उसी में घूम फिर करके संसार में रहेंगे। और दूसरी बात, आपने एक चीज़ और सुना होगा कि ऋषि महर्षि या जिन लोगों ने तप किया इस विषय में गए, उनमें से कुछ तो निकल गए आगे, कुछ जो है वो थक करके फिर लौट गए, और कुछ का फिर से पतन हो गया जिसको योग भ्रष्ट अवस्था कहते हैं, और फिर कुछ हुआ कि इनका पतन हुआ लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद भी फिर संघर्ष करते रहे क्योंकि उनको अपना लक्ष्य पता था। तो इसमें भी लोग कहने का मतलब मेरा यही है कि कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ उसी में से गिरते पड़ते रहते हैं, कुछ लौट जाते हैं थक जाते हैं, और कुछ पुनः जो है अपने प्रयास में कभी न कभी कालांतर में वो चले जाते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार, आज नहीं तो कल। तो सबके जीवन में और हर कार्य में, चाहे कोई भी कार्य है, उसमें बाधाएं आती हैं, तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी आपको कुछ बाधाएं मिलेंगी, कई तरह की बाधाएं हैं, तो वे बाधाएं मिलेंगी, तो उन बाधाओं से आपको हताश नहीं होना है, आपको अपना यह देखना है कि इन इंद्रियों से परे जो हमारी आँखें हैं, जो हमारे कान हैं, जो हमारी त्वचा है, जो हमारी रसना है, जीभ है, इससे परे की कोई सत्ता है जिसका हमें पता लगाना है निश्चित और अनुभूत करना है, क्योंकि हमें दर्द महसूस हो रहा है इनसे अलग, क्योंकि हमें सुख की अनुभूति अलग होती है किसी जगह पर जा करके, क्योंकि जब हमारे भीतर में पेट में जैसे कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, वह चाहे हमारे जो मांसपेशियां हैं कभी थरथराती हैं, तो वह ये सब अलग स्तर पर जाकर महसूस होती हैं, तो वह जो हमें महसूस होती है उसी का हमको पता लगाना है। तो इसमें जो बाधाएं आएंगी कई तरह की, उन बाधाओं से भी आपको निपटना है। और हम लोग चूँकि यह मूलतः यह मस्तिष्क का खेल है, हम लोग की जो तंत्रिका तंत्र है ये ध्यान उसी का खेल है, ये बहुत हमारे इस भौतिक शरीर का खेल नहीं है उतना, हमारे ये सूक्ष्म शरीर का एक तरह से खेल है, हमारे ये मन का खेल है, इसीलिए उसका मजबूत होना बहुत जल्दी जरूरी है, यानी इसमें संकल्प शक्ति बहुत मजबूत चाहिए। आप देखती होंगी, अनुभव होगा कि कुछ लोग थोड़े से दर्द से ही बिलबिलाने लगते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, जीवन की कठोर से कठोर परिस्थिति को वे झेल लेते हैं, और कुछ लोग बहुत थोड़े समय परेशान हो जाते हैं। इसमें इतना ही जानिए कि जो व्यक्ति तुरंत ही दर्द से घबराता है, इसका मतलब है कि उस मानसिक रूप से वह कमजोर व्यक्ति है। मानसिक रूप से वह व्यक्ति मजबूत है जो अधिक से अधिक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। तो जो जितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है इसका मतलब है कि वह अपने मस्तिष्क से उतना ही मजबूत है, उतना ही कठोर है। क्यों बर्दाश्त कर सकता है अधिक? कोई कैसे बर्दाश्त कर लेता है, कोई कैसे नहीं बर्दाश्त कर लेता है, अब इसको समझना पड़ेगा। हम लोग के मस्तिष्क में कई तरह के हार्मोन बनते हैं, कई तरह के रसायन बनते हैं, और वे जो रसायन बनते हैं वे रसायन कई तरह की प्रकृति के होते हैं, और हम लोग के मस्तिष्क में अलग तरह की तरंगें भी होती हैं जिनकी वजह से हम लोग का शरीर जो है, अब तो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं उन सब तरंगों को, लेकिन साधु संतों ने उन तरंगों का
अलग ढंग से उसका वर्णन किया है, जिसको कि आज के शब्दों में उतना नहीं कहा जा सकता है वैज्ञानिक शब्दों में, लेकिन उन लोगों ने भी इन चीज़ों की खोज की थी। तो वे रसायन क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई अफीम लेता है तो उसको मस्ती क्यों आती है, उसमें क्या रहता है, कोई गांजा लेता है उसमें क्या रहता है, तो उसमें एक आप अगर खांसी की दवा लेती होंगी या इन सब की, तो उसमें भी देखती होंगी कि कोडिन नाम की एक चीज़ होती है, वो एक मॉर्फिन की वैरायटी होती है, मॉर्फिन सो कि जो रसायन मिलता है उसको खाते हैं, उसको खाने से हम लोग को मस्ती छा जाती है। उस मॉर्फिन की ही एक वैरायटी होती है, उसको एंडोर्फिन कहते हैं, वो हम लोग के दिमाग में बनता है। एंडोर्फिन की ही मात्रा जिसकी जितनी ज़्यादा हो जाएगी दिमाग में, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा मस्ती में रहता है, ज़्यादा हंसमुख रहता है और दर्द सहने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, वो तमाम तरह की तकलीफ़ों से गुजरते हुए मुस्कुरा सकता है। बताऊंगा सब चीज होगा तो उसी विषय पर। तो मस्तिष्क में वो दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती चली जाती है, यानी हम लोग के दिमाग में एंडोर्फिन बनता चला जाता है। तो एंडोर्फिन जितना ज़्यादा दिमाग में बनेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग में दर्द सहने की क्षमता, दर्द को जानने की क्षमता और खुश रहने की क्षमता। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी दिया जाए तो कोई खास उनमें खुशी नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें एंडोर्फिन की मात्रा कम है, वे खुश नहीं हो पाते, तो उनके जीवन में हर समय दुखी दुख होता है, डार्क साइड होता है। कुछ भी मिलने पर जो है वो पर्याप्त उनमें हंसी नहीं आ पाती है, मुस्कुराहट नहीं आ पाती, और कुछ लोग बहुत मामूली सी बात पर ही मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उनमें एंडोर्फिन ज़्यादा होता है। जिनमें ज़्यादा होता है वे मुस्कुरा सकते हैं हर स्थिति में, और खुशी का राज वहीं पर है जिसको हम सब लोग खोज रहे हैं। तो खुशी का राज खोजने के लिए मनुष्य चल पड़ा है। वैसे वे लोग होते हैं तमाम तरह के जो रोग हैं, उस रोग में भी हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। अन्य लोग जो थोड़ी सी और कोई फुंसी भी कहीं निकल गई तो उसी में चिल्लाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि उसमें एंडोर्फिन की मात्रा बहुत ही कम है। हम लोग का शरीर में एक रसायन और होता है जो कि एल्डिहाइड नेचर का होता है, एसिटिक नेचर का होता है, इस तरह के रसायन भी होते हैं। तो वे जो एसिटिक एसिड टाइप के जो रसायन होते हैं, वे सब क्या करते हैं कि हम लोग के शरीर में दर्द पैदा करते हैं, और वह जो दर्द है वो इसी का एंडोर्फिन का काट होता है, यानी खुशी का वो काट होता है। हाँ, तो वह जब बढ़ने लगेगा तो एंडोर्फिन की मात्रा घटने लगती है, और एंडोर्फिन जब बढ़ता है तो उसकी मात्रा घटने लगती है। तो इस तरह से ये सुख और दुख का ये जो खेल है ये चलता रहता है। यह वैज्ञानिकों ने देखा है प्रयोग करके, क्योंकि वैज्ञानिक सब अब जो है इस ध्यान के साथ भी वे सब जुट होकर के प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कई धड़े हैं जो देखना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। तो उन लोगों ने देखा कि जो लोग ध्यान में जाते हैं उनमें से 60% लोग जो हैं वो जो लोग नहीं जाते हैं उनसे वो बेहतर हो गए, उनके दिमाग में एंडोर्फिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पाया कि 60% जो है उनमें मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आज जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन बढ़ने लगे। जब हम लोग काम वासना में जाते हैं तो वही एंडोर्फिन जो है उसमें सुख देता है, काम सुख उसी एंडोर्फिन से होता है, और उस एंडोर्फिन का उसमें क्षय हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को यानी खुशी को अगर हासिल करते हैं तो फ्री में हासिल नहीं करते, कीमत चुकाते हैं उसकी, और उसका जब क्षय होता है तो ही हमें सुख मिलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम उसमें नहीं प्रवृत्त हुए तो एंडोर्फिन की मात्रा दिमाग में बढ़ने लगेगी। अगर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है तो दिमाग में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और जितनी मात्रा बढ़ती है उसके हिसाब से ही वो सुख मिलता है। अमूमन लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोगों ने नाम भले दिया काम सुख का, लेकिन है वो ब्रह्मचर्य का सुख। और जब तक हम काम में नहीं जाते तब तक जितना सम पीरियड होता है उस पीरियड में वो एंडोर्फिन बढ़ता रहता है। 14 वर्ष की अवस्था तक पुरुष में और 9-10 वर्ष अवस्था तक की स्त्रियों में
जो पीरियड होता है बाल्य अवस्था जिसको कहते हैं, उस बाल अवस्था में वो एंडोर्फिन बढ़ता रहता है, इसलिए एक समय आने के बाद फिर जो है उसकी तैयारी हो जाती है काम में प्रवृत्त होने की। तो इसलिए शास्त्रों में जिन लोगों ने शोध किया उन लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया ब्रह्मचर्य के ऊपर, क्योंकि उन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि इससे जो है एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। हम लोग की कौन कौन से गतिविधि उसकी मात्रा बढ़ा सकती है तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि संगीत है, वो आपके एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ा देती है। इसीलिए क्या वजह है, कोई एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वह एक भाषा ही तो है, और वह बोल रहा है और व्यक्ति आराम से सुन रहा है, मस्ती में सुन रहा है, झूम रहा है, कान हिला रहा है, सिर हिला रहा है, आखिर क्या वजह है? लता मंगेशकर गा रही है, कोई झूम रहा है, क्यों झूम रहा है? वह जो है वो जो संगीत है वह हम लोग के दिमाग में एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ा रहा है, इसीलिए वह प्रिय है। गाना हम लोग को इसीलिए प्रिय है, तो इसीलिए हम लोग को भजन भी प्रिय है। तो गाना से, भजन से, या कोई भी जो संगीत है जो हम लोग को प्रिय लगता है, इसका मतलब है कि वह हम लोग के शरीर में एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ाता है, तो उसको सुनने से बढ़ेंगे आप, और जो उसके खिलाफ में हो जाएंगे हाँ वे लोग उस एंडोर्फिन की मात्रा को अपने में घटा दें। बहुत सारी ऐसी कौमें हो गई हैं दुनिया में जो कि संगीत से चिढ़ती हैं और संगीत को बैन कर देती हैं। मोहम्मद साहब ने बैन कर दिया था संगीत को, इस्लाम ने प्रतिबंधित कर दिया। आज भी अरब में संगीत सार्वजनिक रूप से नहीं बजाया जा सकता। अब वे लोग संगीत का महत्व नहीं समझ, इसीलिए वे ज़्यादा चिड़चिड़े, ज़्यादा क्रोधी, ये सब हो जाए। तो अब लेकिन चूंकि जीना है तो वे लोग क्या अपने घर में ही सुनते हैं चोरी चोरी तो कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों से हमारा एंडोर्फिन बढ़ता है उन चीज़ों करेंगे, और उसमें यह ध्यान जो है बहुत महत्वपूर्ण, यह मात्रा हम लोग की बढ़ाते चले जाएगा। अन्य जो चीज़ें हैं जैसे शाकाहारी भोजन भी इसीलिए कहा गया क्योंकि वह इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएगा। शाकाहारी भोजन करने वाले को मांसाहारी भोजन करने वालों को अगर अलग अलग रखेंगे तो इसमें एंडोर्फिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। अगर सामान दोनों का अन्य गतिविधि एक जैसा है तो उसी तरह से जिस व्यक्ति की जिस चीज़ में अभिरुचि ज़्यादा होती है, किसी की चित्रकला में होती है तो किसी की वास्तुकला में होती है तो किसी की अन्य कला में होती है, किसी के साहित्य में होती है, तो जिसकी जिसमें अभिरुचि है अगर उसकी अभिरुचि के हिसाब से ही उसको अगर विकसित होने दिया जाए तो उसमें भी वह मात्रा बढ़ती है, और उसकी अभिरुचि के विरुद्ध अगर उसे कुछ काम कराया जाए या मजबूरी में उसको करना पड़े तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, और उसमें वह मात्रा घटने लगती है। तो रासायनिक रूप से हम लोग अभी बात करें तो सारा जो खेल है ये एंडोर्फिन का है। तो वहाँ पर हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हम लोग की उसमें मात्रा बढ़ाने का काम करेंगे, एंडोर्फिन वो बढ़ेगा। अगर तरंगों की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि जैसे थीटा तरंगें होती हैं, हम लोग के दिमाग में तरंगें होती हैं जिससे कि हम लोग को नींद आती है। अगर हम लोग तो दिमाग में थीटा तरंगें नहीं आएँ तो नींद आनी बंद हो जाएगी और उससे एंडोर्फिन की मात्रा गिर जाएगी, बहुत तेज़ी से गिर जाएगी। और यदि हम लोग के दिमाग में अल्फा तरंगे आती हैं तो हम लोग जो हैं काफ़ी चिड़चिड़े और उत्तेजित हो जाते हैं। अब ये जो तरंगे हैं इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी तरंगे ऐसी होती हैं जिसका हम लोग उतना केयर नहीं करते और वे हम लोग शरीर में प्रवेश करती हैं, हम लोग के दिल दिमाग में प्रवेश करती हैं और एंडोर्फिन की मात्रा को घटाते चले जाते हैं। उनमें से जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल है, हाँ इसकी जो तरंगे हैं ये हम लोग के दिमाग की एंडोर्फिन की मात्रा को गिरा देती है, हटा देती है। उसी तरह से अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जितने भी हैं ये सब जो हैं अल्फा तरंगों को निकालती हैं अधिक से अधिक। हाँ इनका जो रेडिएशन होता है वो हम लोग के मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता है और ये रोग भी उत्पन्न करते हैं, ट्यूमर वगैरह सारा उत्पन्न होते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि उसकी मात्रा घट जा रही है एंडोर्फिन, और एसिटाइल कोलिन की मात्रा को बढ़ा दे रहे हैं और तमाम तरह के शरीर में जो एसिड हैं उनकी मात्रा बढ़ा दे रहे हैं। तो हम लोग को रेडिएशन से दूर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा रेडिएशन से हम लोग दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग सुखी रहेंगे। परंतु हम लोगों ने अपने दुख के भी बहुत सारे उपकरण ईजाद कर लिए हैं,
सुविधाओं की वजह से। सुविधा है जरूर, लेकिन सुविधा है परंतु उस सुविधा से हम लोग को कौन कौन से दुख हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो इन सब से बचा जाए। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो ध्यान का साधक है, जो ध्यानी है, उनको इन सब चीज़ों से, उपकरणों से जितना अधिक से अधिक हो सकता है दूरी बनाए रखें, सिर्फ लिमिटेड उसका प्रयोग किया जाए। यह नहीं, मतलब महिलाओं में मोबाइल का, फ़ोन का बहुत ज़्यादा उपयोग है और अनावश्यक भी उपयोग है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को और परेशानी बढ़ती चली जाएगी, चिड़चिड़ापन होना, क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा लालच हो जाना, झूठ बोलना, कई तरह के मतलब जितने दुर्गुण हैं वो सारे प्रवेश करते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों का यह जो है खराब हम लोग के ऊपर प्रभाव है, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। अब ध्यान को मैं परिभाषित के अर्थ में बता रहा हूँ, शास्त्रीय विधि से बता रहा हूँ। इसके पहले धारणा होती है, जिसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देश बंधस शितस्य धारणा। किसी, अब धारणा की परिभाषा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, इसके बाद ध्यान आएगा, क्योंकि धारणा ही आगे चल करके ध्यान में बदलती है, जिसको मेडिटेशन हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। हालांकि ध्यान और मेडिटेशन में फिर भी फर्क है कुछ, परंतु मोटे तौर पर कह देते हैं। देश बंधस शितस्य धारणा, देश कहते हैं एक स्थिति को, एक स्थान को, एक परिस्थिति, एक स्थान में और एक समय में। इसमें देश में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, एक समय, एक स्थान, एक परिस्थिति। उस समय, स्थान, परिस्थिति में चित्त का, हमारी चेतना का बंध जाना, उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ संलग्न हो जाना ही धारणा है। जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो हमारी वह धारणा है, लेकिन मोटे तौर पर धारणा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ऐसा बोल देते हैं। वास्तव में ध्यान से आप पढ़ नहीं सकते, धारणा से पढ़ सकते। अब धारणा और ध्यान में जो अंतर है उसको मैं थोड़ा बताऊंगा। धारणा और ध्यान में मोटे तौर पर जो धारणा है उसको कंसंट्रेशन समझिए, यानी एकाग्रचित अवस्था। एकाग्रचित अवस्था समझ रही हैं, एकाग्रचित मतलब एक जो है उसमें अग्र जो जुड़ा हुआ है, यानी आगे में, और चित्त, चित्त का एक जगह हो जाना एकाग्रचित अवस्था है। जैसे किसी एक, कोई एक बिंदु हो और उस बिंदु को मैं देखूं लगातार, जितने देर तक देख सकता हूं, ठीक फोकस करके, कि उस बिंदु के सिवाय मुझे अन्य बाकी चीज़ बहुत ही कम दिखे, नहीं के बराबर दिखे, बहुत कम दिखे, तो वह जो है हमारी एकाग्रचित अवस्था होती है। और जब हम उससे थोड़ा सा भी भटक जाते हैं, जैसे मान लीजिए गोली किसी को मारनी होती है, जब गोली व्यक्ति चलाता है तो काफ़ी कंसंट्रेटेड रहता है, एकाग्रचित रहता है, वो सिर्फ उस बिंदु को देखता है जहाँ उसको हिट करना है। तो उस वक्त जो हमारी चेतना जो है उस समय, उस परिस्थिति में उस बिंदु पर टिक गई है जिसको कि हमें भेदना है, मारना है। तो यह धारणा की स्थिति होती है जब हम अपने चित्त को टिका देते हैं। जैसे कि सूरज की किरणें हैं, अगर हम लेंस ले जाते हैं, हाँ, और उस लेंस से देखते हैं कि वो एक जगह फोकस हो गया और उस जगह को जला दिया, उसमें उसमें शक्ति आ जाती है चित्त में। यह जो चित्त की शक्ति है धारणा की, इसी को अलग तरीके से हम लोग त्राटक भी कहते हैं। त्राटक आप लोग नाम सुने होंगे, हो सकता है त्राटक का। एकाग्रचित अवस्था और त्राटक अवस्था करीब करीब एक ही जैसा है, और इनके जो परिणाम हैं वो यही हैं कि ये मस्तिष्क को शांत नहीं करते, ये बेचैन कर देते हैं और शरीर में गर्मी बढ़ा देते हैं। इसीलिए आदमी फोकस होकर के ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर शतरंज का खेल है, अगर आप लोगों में किसी ने खेला होगा जानता हो, काफ़ी एकाग्रता चाहिए होती है, क्योंकि चाल इधर उधर गढ़ती हुई तो फिर बाजी पलट जाएगी, हार हो जाएगी। उसमें आदमी सिर्फ उसी में फोकस रहता है, अन्य वो कोई चीज़ नहीं देखता, खाना पीना सब भूल भाल जाता है। वह जो है मस्तिष्क में गर्मी उत्पन्न करता है, ये धारणा की अवस्था है, ये त्राटक की अवस्था है, और यह सिद्धि की अवस्था है। आप लोग नाम सुनते होंगे सिद्धि, तो इस सिद्धि की अवस्था, जो सिद्धि के भी कई तरह के हैं, उसमें से एक तरह की सिद्धि में यह आता है, जिसमें कि ये विभूति में आता है, विभूति की सिद्धि। यानी हमको कुछ जब विशेष होना है, यदि हमें कुछ विशेष होना है तो हम इसमें आते हैं धारणा में। तो जिन लोगों ने कुछ विशेष शक्ति अर्जित की है इस दुनिया में, कुछ विशेष पाया है, वे ये लोग हैं जो धारणा में काफ़ी प्रगाढ़ हो गए। सम्मोहन की क्रिया, इस विषय में आप लोग नाम सुनेंगे सम्मोहन,
तो सम्मोहन क्रिया या जादूगर सबको दिखलाते हैं, खेल दिखाते हैं, वे सब सारे जो हैं इसी धारणा के तहत आते हैं, जिसके तहत जो है वो किसी को सम्मोहित करते हैं, वो झटके से काम करते हैं, इतनी तेज़ी से करते हैं कि हम लोग की आँखें उसे देख नहीं पाती, हम लोग के कान सुन नहीं पाते, और उस जो वो दिखाना चाहते हैं वही हम देखते हैं, जो वे छिपाना चाहते हैं वो छिप जाता है, हम लोग की आँखें या हम लोग की इंद्रियाँ उसको नहीं देखती हैं, क्योंकि हम लोग का दिमाग का अटेंशन वो डाइवर्ट कर देते हैं। जो पॉकेट मार होते हैं वो भी यही काम करते हैं, जब हम लोग का दिमाग का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है उसी समय वो पॉकेट मार लेते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है और हम लोग के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी कला का प्रयोग चोर भी करते हैं, वे जानते हैं कब हमारा दिमाग कहाँ रहता है, कब हम कितना सोते हैं, तो इस वजह से वे उसी समय का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 बजे से 3 बजे तक का समय जो होता है वह समय वे चोरी के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो उस समय हम लोग का दिमाग कहीं और है, उस वक्त का ही वो प्रयोग कर लेते हैं। तो जो चोर हैं या अन्य इस तरह के खेल में जो माहिर हैं, जो जिन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क का, उसके आचार विचार व्यवहार का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है, व्यवहारिक अध्ययन, वे लोग मनुष्य की इस कमजोरी का फायदा उठा करके उसके किसी सामान को या उसी को या हर लेते हैं। ये तो धारणा की स्थिति हुई, प्रयोग हम लोग का यहीं से होगा, लेकिन हम लोग का लक्ष्य अभी जो है ध्यान है। अब ध्यान क्या होता है उसको हमने समझना है। ध्यान में हम लोग का चित्त एक जगह नहीं बनता, हम लोग का चित्त सब जगह हो जाता है, ये अंतर होता है। शुरुआत तो होती है एक जगह से, लेकिन वह हो जाता है सभी जगहों में, सभी जगहों पर हम लोग का चित्त चला जाता है। तो हम लोग अपने चित्त को सभी जगह ले जाएं, यह हम लोग का लक्ष्य होगा, यानी हम लोग एक साथ ही अपने हर जगह पर उपस्थित रहें, यानी कान पर भी उपस्थित रहें, नाक पर भी, आंख पर भी, सिर पर भी, पेट पर भी, सीने पर भी, हाँ हम लोग के शरीर में जो कुछ भी है उन सब पर हम एक साथ स्थित रहें। जब यह स्थिति आती है तो हम कहते हैं अब यह ध्यान है। ध्यान के भी कई चरण होते हैं, क्रमशः जो है उन चरणों में चल करके हम लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। शुरुआत एक जगह से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग 2, 3, 4, 5 कई जगह से होते जाते हैं। एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण शब्द है संयम, उसको आप लोगों को मैं बता दूं। जब ये जो धारणा है और यह जो ध्यान है इसके साथ जब प्राणायाम जुड़ जाता है उस वक्त की जो स्थिति आती है वो संयम की हो जाती है। ये प्रथम चरण का संयम होता है। इसके बाद दूसरे चरण का संयम क्या होता है कि धारणा, ध्यान और इसके आगे का चरण जो है समाधि, वह जुट जाता है। यानी प्राणायाम हम लोग के लिए एक व्हीकल, एक वाहन का काम करता है, फिर धारणा और ध्यान के साथ हम लोग जुट जाते हैं, हम लोग संयमित हो जाते हैं, संयम में हो जाते हैं, फिर समाधि के साथ हो जाते हैं, वह उसके आगे की अवस्था हो जाती है। तो अब हम लोग देखते होंगे कि हम लोग जब हम लोग में से कुछ लोग ही होते हैं जब दौड़ते हैं तो हम लोग का सांस की गति पर ध्यान जाता है कि सांस भी चल रही है हमारी या नहीं चल रही, अमूमन लोगों को पता नहीं चलता है। दिल धड़कता है पता नहीं चलता है, दर्द होता है तो भी पता नहीं चलता, खाली ये पता चलता है कि दर्द हो रहा है, और मोटे तौर पर पता चलता है कि हमारा सर दुख रहा है, लेकिन सर किस जगह दुख रहा है ये पता नहीं चलता। जैसे कि हमारा घुटना दुख रहा है, लेकिन घुटना में सटीक रूप से कहाँ दुख रहा है ये पता नहीं चलता। तो अब दर्द के भी कई चरण होते हैं, अब जैसे हम लोग उतरेंगे देखेंगे, क्योंकि आप अगर दर्द की अनुभूति भिन्न भिन्न तरह की होगी, जैसे बिच्छू ने भी डंक मारा होगा तो अलग तरह का दर्द है, और इस तरह का पेन है अलग तरह का दर्द है, चोट लग गई तो अलग तरह का दर्द होगा, जल जाने से अलग तरह का दर्द होगा, किसी के पैर हाथ कट जाते हैं तो अलग तरह का दर्द होता है। तो दर्द भी कई तरह के शरीर में होते हैं, और हर एक तरह का जो दर्द होता है वो अलग ढंग का अनुभव लाता है और अलग तरह के रसायन का उसमें उपयोग होता है, तभी उस तरह के दर्द की अनुभूति होती है। किसी का यदि पैर कट जाए, जिन लोगों का पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, उनका ऐसा अनुभव है कि कट जाने के बाद, घाव ठीक हो जाने के बाद, साल भर 1.5 साल भर भी गुजर जाने के बाद उनको दर्द होता है, जबकि वो वास्तव में दर्द नहीं होता है, लेकिन वो दर्द होता है, दर्द का झूठा आभास भी होता है शरीर में।
और वो उसको फैंटम पेन कहा जाता है, मेडिकल साइंस की भाषा में फैंटम पेन कहा जाता है, झूठा दर्द है वो, लेकिन वो दर्द महसूस होता है। शरीर में झूठा दर्द भी उत्पन्न होता है और झूठा दर्द के पीछे बहुत सारा राज है कि झूठा दर्द क्यों होता है, आपको कई तरीके से बचाने के लिए, आपके शरीर को कुछ सक्रिय करने के लिए भी झूठा दर्द होता है। तो दर्द कैसे होता है, भय कैसे होता है, भय में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, भय कहाँ होता है, इन सब चीज़ों का जो समाधान है वह ध्यान से ही है। इसलिए आपको जब जानना है कि क्रोध कहाँ होता है, काम कहाँ होता है, तो इन सब का जो बिंदु है वह ध्यान है, जहाँ से हम इन सब को जान सकते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति, अहंकार की उत्पत्ति, भय की उत्पत्ति, काम की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, दुख की उत्पत्ति, दर्द की उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे और कैसे प्रभावित करता है, इन ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये ध्यान की। और यहीं से अध्यात्म की वास्तविक शुरुआत होती है। इसके पहले तो फिर एक तरह से मोटे तौर पर वो एक्सरसाइज ही होता है, तो वह सब सब तैयारियाँ होती हैं। अब हम लोग प्रयोग पर आते हैं। मैं आप लोग अभी सिंपल सिंपल सा प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत का दिन है और फिर इसको थोड़ा सा आप लोग करने के बाद फिर उसके बाद और गहन साधना में हम लोग उतरेंगे धीरे धीरे। और पहले हम लोग धारणा में उतरते हैं, और अगर हम लोग की जो इंद्रियां हैं इनका भी पहले हम लोग हल्का सा प्रयोग कर सकते हैं धारणा में, क्योंकि इनका प्रयोग होता है और धारणा के बाद ध्यान होता है। तो हल्का सा प्रयोग आप धारणा का करेंगे और मान लीजिए कि 4-5 सेशन धारणा का प्रयोग होगा, और उसमें से जो आप लोग जो उसमें प्रगाढ़ता से उतर जाएंगे वे धीरे धीरे पात्र हो जाएंगे ध्यान का, फिर वो ध्यान में अपने आप ही चले जाएंगे। ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं करना, ये जान लीजिए, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता है, करने की जितनी भी स्थिति है वो धारणा की होती है। कुछ लोग, मुझे तो हंसी आती है कभी कहीं पर, कहीं कहीं गया हूँ मैं सेशन में, कहीं कहीं पर लोग कराते हैं कहीं कि ध्यान हम लोग कराएंगे ऐसा बोलते हैं, तो वो एक गलत शब्द का प्रयोग है। ध्यान कभी भी नहीं किया जाता, प्रेम कभी किया नहीं जाता, ये सब सब होने की स्थिति है, करने की स्थिति नहीं है, ये डूइंग प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का जो मन है, जो बुद्धि है वो शामिल नहीं है। हम लोग वहीं कर सकते हैं जहाँ मन और बुद्धि शामिल है, उसको ही हम लोग करना कहते हैं। जैसे कि ये मोबाइल है, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँ, ये करने में है क्योंकि हमारे मन ने आदेश दिया और हमारे हाथ में इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखा, तो यह जो है यह कर्म के तहत आ जाता है। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं है, वहाँ मन और बुद्धि ये नहीं चलेंगे। जब तक मन और बुद्धि है तब तक धारणा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छा से। जो ध्यान का शब्द जो हम लोग ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया है वह ऐसा ही प्रयोग है कि जब तक हम लोग की मन और बुद्धि उपयोग में आ रही है तब तक समझिएगा कि हम धारणा में हैं। जब और मन और बुद्धि से हम लोग आगे और निकल जा देंगे और कुछ अलग अनुभूति हो जाएगी तो वह ध्यान में हो जाएगा। जो भीतर की फीलिंग होगी अंदर की, जैसे मान लीजिए अभी आपके दिमाग में शब्द चलते हैं, विचार आते हैं तभी तो बोल पाते हैं या कभी कुछ करते हैं, लेकिन क्या विचार को आपने देखा कभी? विचार नहीं देख पाए। विचार कहाँ बनता है ये सोचा? नहीं अभी सोच पाए। विचार को क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन जो ध्यान में जाता है वो उसके लिए विचार ठहर जाता है, विचार गायब हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। तो विचारों की जो शून्यता होती है वह इस संसार से हमको विलक्षण कर देती है, अलग कर देती है, क्योंकि इस संसार में हम तभी तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं जब तक हमारे पास विचार है। जब तक हमारे दिमाग में शब्द आ रहे हैं और हम शब्द समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी तक ये संसार, ये बेटा बेटी, पति पत्नी, भारत पाकिस्तान जापान, ये जो कुछ भी हैं, ये सब सब शब्द हैं, और ये सब शब्द हम लोग दिमाग में आते हैं शब्द और चित्र के रूप में, तो हम लोग उसको महसूस करते हैं और तब बोलते हैं। जब ये शब्द और चित्र दोनों गायब हो जाएंगे तो फिर कहीं नहीं, ये सर्वथा शून्य है। इन सब से संसार से बिल्कुल अलग,
संसार की हैसियत यहीं तक है, चित्र तक और शब्द तक। शब्द और चित्र जो है यहीं तक संसार की हैसियत है। शब्द और चित्र से जो आप अलग होते हैं संसार समाप्त हो जाता है। तो ध्यान जो है वो संसार को समाप्त कर देता है, फिर ये संसार मिटता है, फिर एक अलग ही लोक में, विलक्षण लोक में आपका प्रवेश होता है, जहाँ शब्द नहीं होते, चित्र नहीं होते। शब्द और चित्र से भिन्न सत्ता जो है वह जो है ध्यान की अवस्था में आप महसूस करते हैं। खैर, हम लोग वहाँ चलते हैं। अब हम लोग धारणा का छोटा प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पहले जो आसन कराए जाते थे, आप लोगों ने आसन किए हैं ना, तो उसमें से कुछ आसन को ध्यान आसन कहा जाता है। यदि आप लोगों ने सुना होगा ये सब ध्यान आसन। आसन तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन कुछ ध्यान आसन है। वे ध्यान आसन कौन कौन से हैं? जैसे पद्मासन, जैसे सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, भद्रासन, ये सब ध्यान आसन है। यानी इनमें बैठने से हम ध्यान के आसन के अर्थ में पात्र हो जाते हैं। और ये आसन इनको इसलिए बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक आसन को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने का मतलब है कि जिसमें आपके पास बैठने की क्षमता 3 घंटे के आसपास हो जाए। जिस आसन में आप 3 घंटे तक बैठ सकती हैं वह आसन आपका सिद्ध माना जाएगा। हम लोग बैठ करके ही ध्यान में जाते हैं। जिन लोग के भी आपने चित्र देखे होंगे तो बैठ करके ही देखे होंगे, खड़े होकर क्यों नहीं, लेट करके क्यों नहीं। वैसे तो ध्यान तो आदमी लेटा है तो भी हो जाएगा और खड़ा है तब भी हो जाएगा, परंतु उसकी जो साधना होगी वो बैठ करके ही होती है। बैठ के होने के पीछे कारण क्या है? जब हम लोग चलते हैं, चलना जो है वो संसारिकता है, संसार में जाते हैं। इस संसार को जीवित रखने के लिए चलना जरूरी है। यदि हम चलेंगे नहीं तो संसार हमारे लिए लुप्त हो जाएगा, छूट जाएगा, हम पिछड़ जाएंगे और अंततः जो है हमें इस संसार से उठ जाना पड़ेगा। चलना संसारिकता है। और यदि हम लेट जाते हैं तो बेहोशी हो में स्थिति में चले जाएंगे, नींद में चले जाएंगे, मर जाएंगे। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, बैठेगा नहीं, वो लेट जाएगा। तो फिर मोबाइल वगैरह जो है वो साइलेंट कर। अब मैं बता रहा हूं, तो हम लोग को बैठ करके ही करना होता है, क्योंकि बैठना जो है ये दोनों ही पक्ष को बतलाता है, दोनों पक्ष के मध्य का है, इसलिए हम लोग बैठते हैं इसमें। तो ध्यान आसन में बैठना है। मान लीजिए कभी आप लोग जिस भी पोजीशन में बैठ सकती हैं उस पोजीशन में बैठेंगे। अब समय का इन्होंने पूछा है। देखिए, करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, लेकिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है तो इसके लिए क्या समय नहीं चाहिए होता है। यानी समय का बोध आप में नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में समय रेस लगाएगा इसमें तो जान लीजिए कि फिर आपके लिए ध्यान है ही नहीं। समय ही तो संसार है और समय से परे हो जाना ही अध्यात्म। अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए जो ध्यानी वही लोग हो सकते हैं जिनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं है, जिनके लिए समय का कोई वैल्यू नहीं है। और जो समय के वैल्यू में रहेंगे तो उनका दिमाग तो हर समय, कुछ लोग वही मैं बता रहा था आपको, मैं उस वक्त कहना बोल गया था, एक दो चीज बता रहा था। एक तो वे लोग कहते हैं कि इसको करना, ध्यान करना है। दूसरा वो जो कहते हैं 10 मिनट ध्यान करेंगे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि एक तो यह करना नहीं, दूसरा इसमें समय नहीं। समय सीमा में जब होंगे तो आपका तो टाइम से रेस हो गया, फिर तो दिमाग हर समय कहेगा कब बजेगा उतना कि मैं अपना आँख मुँह खोलूँ, अपना पोजिशन बदलूँ, फिर तो आप टाइम से रेस हो गया, फिर आप तो और गहन उत्तेजना में विपत्ति में फंस जाएंगे इसमें। क्योंकि यह हुआ नहीं है, मैंने कहा ना कि यहाँ से बिल्कुल ही आयाम बदल जाता है। इसके पहले तो बहुत कुछ है, आप प्राणायाम कर लीजिए, ये सब करने की स्थितियाँ थी। अब यहाँ के बाद बिल्कुल आयाम बदल जाएगा। यहाँ पर समय का कोई वैल्यू नहीं। संसार में जितनी भी चीज़ें आप अब तक महसूस की उन सब का यहाँ पर कोई फिर मूल्य नहीं रहेगा। हम बिल्कुल अलग ही आयाम में जा रहे हैं, जहाँ पर करने का कोई मूल्य नहीं है, जहाँ पर होने की स्थिति है, जहाँ पर समय का कोई मूल्य नहीं है,
जहाँ पर कोई पदार्थ का मूल्य नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे कि जितने भी ध्यानी जो होते जाते हैं उनके शरीर जो हैं बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो पदार्थ है यानी जो मांस है वह गलने लगता है, वो परिवर्तित होने लगता है, किसमें, ओज में, तेज में, यानी एंडोर्फिन बनने लगता है दिमाग में, यही सब बदल बदल करके बनने लगता है। समय से जब आप रेस करेंगे तो अशांति आ जाएगी। अशांति किसको कहते हैं? अशांति और कुछ नहीं है, समय से रेस है, समय से प्रतियोगिता है। हमें 3:30 बजे ट्रेन पकड़ लेना है, जैसे ही ये हुआ अब हमारा रेस हो गया, अब हम अशांत हो गए, अब हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह सकता, तो अब हम बेचैन हो जाएंगे, अब वहाँ पर एंडोर्फिन की मात्रा 6 होने लगेगी, और वहाँ जो शक्ति हमको मिलती है करने की वो एंडोर्फिन से ही मिलती है, लेकिन एंडोर्फिन गिरने लगेगा बड़ी तेज़ी से। तो हम जब भी कुछ करते हैं तो इतना याद रखिए, हम कुछ भी करते हैं तो एंडोर्फिन गिरने लगता है, और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो एंडोर्फिन बनता है। हम लोग क्यों सोते हैं? इसीलिए क्योंकि एंडोर्फिन बन जाए और हम लोग में इतनी शक्ति आ जाए कि फिर हम सुबह कुछ कर सकें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो ध्यान जो है ये बिल्कुल करने का विषय नहीं है, ये होने की स्थिति है, और इसमें समय का कोई मूल्य नहीं है, इसमें किसी भी अन्य जो भौतिक पदार्थ हैं उनका मूल्य नहीं, सिर्फ इसमें आप ही आप हैं। एक चीज़ ध्यान रखें इसमें, अब हम लोग चूँकि अब पहला हुआ है तो आप लोगों में से अगर किसी को जल्दीबाजी है आप लोगों में से, तो वे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से किसी का कोई अन्य बहुत ज़रूरी काम पड़ गया होगा, टाइम हो रहा है, मान लीजिए अभी कितना बज रहा है, तो आप लोगों में से जो जा सकते हैं, जिनके पास समय का मूल्य नहीं है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ बैठने जा रहे हैं इसमें समय का कोई वैल्यू नहीं, कब तक हम लोग बैठेंगे कुछ पता नहीं, जब तक आपका जो शरीर है, आपका मन है, मस्तिष्क है, जब तक यह साथ देता है तब तक बैठा जाएगा। हो सकता है कि 15 मिनट ही साथ दे, नए नए हैं, हो सकता है आधा घंटा साथ दे, हो सकता है कि आप में से किसी का 15 मिनट साथ दे, किसी का आधा घंटा दे, और किसी का 1 घंटा भी दे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होंगी यहाँ। तो अलग अलग लोगों की क्षमताएं होंगी, तो उसके हिसाब से अब ये समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सबको उसी समय उठ जाना है, फिर तो जिसके पास ज़्यादा क्षमता है बैठने की उसके साथ वह जो है अत्याचार हो जाएगा। तो जिसके पास जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से इसका वो करेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इसमें जो है हो सकता है अब इसकी शुरुआत जैसे होगी तो आपको अलग तरह की अनुभूति होगी, लेकिन अंतिम धीरे धीरे जैसे से जाएंगे आपको दर्द की अनुभूति होने लगेगी, दर्द महसूस होने लगेगा और दर्द की तरंगें बढ़ने लगेगी। मैंने बिच्छू का उदाहरण इसीलिए दिया था आप लोगों को, क्योंकि बिच्छू बहुत ज़्यादा दर्द देता है लेकिन बाद में मस्ती देता है, जब दर्द उतरता है तब। हाँ, तो यहाँ आपका दर्द बढ़ेगा और जब बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आएगी तो बहुत बढ़ जाएगा। और दर्द की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि दर्द जहाँ जहाँ जाता है हम लोग को उसका पता देता है। जैसे अगर कान में दर्द हो तो कान का पता देता है, दांत में दर्द हो दांत का पता देता है, जहाँ भी जाएगा सर में जाएगा सर का पता देता है। हम लोग अपने सर का पता तभी चलता है ना जब सर दुखता है, पेट का पता तभी चलता है जब पेट दर्द करता है। तो दर्द वह हमें अनुभूति देता है, उसकी जो तरंगें जाती हैं अंदरूनी अंगों का हम लोग को एहसास कराती है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग इसको देख सकते हैं, इसके लिए आँख पर्याप्त है, लेकिन इसके भीतर जो मांस है जिसको हम लोग नहीं देख सकते उसके लिए दर्द ही एक साधन है कि हम उस मांसपेशी को देख सकें, वह है दर्द। हम लोग अपने पेट को नहीं देख सकते, अपनी आँतों को नहीं देख सकते, अपने दिमाग की कोशिकाओं को नहीं देख सकते, उसको बताने के लिए सिर्फ दर्द ही एक साधन है। और वह दर्द जो स्वयं के द्वारा लाया गया है, वह दर्द नहीं जो कि अपने शरीर से उत्पन्न हुआ है किसी विकार की वजह से, जो दर्द हम स्वयं लाते हैं, जो गरीबी हम स्वयं लाते हैं वह सबसे बड़ी अमीरी होती है, जो दर्द हम स्वयं उत्पन्न करेंगे वह हमारे नियंत्रण में होता है, उसको जब चाहें तब हम छोड़ सकते हैं और हम पुनः वापस आ सकते हैं, क्योंकि वह हमारे कंट्रोल में, वह दर्द हमने उत्पन्न किया है। तो वह दर्द एक हमारे लिए उपकरण होता है, हमें पता देता है। उसी तरह से यह जो श्वास है इसका हम एहसास करेंगे, यह श्वास भी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ का एहसास कराता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहीं स्पर्श का अनुभूति हो रही है कि नाक में पता चल रहा है, यह जब भीतर नली में जाएगा तो नली का एहसास कराएगा, जब फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े का एहसास कराएगा। आप
का चित्त जितना ज़्यादा उस श्वास के साथ जुड़ता जाएगा, उतना ज़्यादा वो श्वास जहाँ जहाँ हवा का हम अंदर ऑक्सीजन का जो प्रवाह है जहाँ जहाँ तक जाएगा आपको अपने अंदर के शरीर का पूरा ज्ञान देगा, पूरी अनुभूति देगा ये श्वास। उसी तरह से दिल की जो धड़कन है वह धड़कन जब हम लोग का हार्ट बीट करता है तो खून को फेंकता है, खून भी बीट करता है, इसीलिए यहाँ पल्स बीटिंग होती है अगर छूएंगे तो। ये धड़कन जहाँ जहाँ महसूस होगा, अभी तो छूने पर महसूस होता है ना, अगर आप बैठेंगे ध्यान में ना तो आप देखेंगे कि आपको दांत में भी इसकी धड़कन महसूस होगी, आंखों में महसूस होगी इसकी धड़कन, कान के पर्दे में धड़कन महसूस होगी, इसकी धड़कन हर जगह महसूस होगी। जितना ज़्यादा आप इसमें डूबते जाएंगे उतना ही ज़्यादा महसूस होगा। और उसी तरह से विचार है दिमाग में कहाँ है कैसे है, वो विचार का कैसे प्रभाव होता है वो सब महसूस होगा। और जब सारे एक साथ जब महसूस होते हैं उस वक्त जो मस्ती आती है, जितना जिस सुख की कल्पना आप लोग अभी नहीं कर सकते या जिस सुख को आपने अब तक भोगा है उससे कई गुना सुख इसमें मिलता है लोगों को। इसीलिए जो एक बार ध्यान में गहरे में उतर जाता है उसको संसार में कोई बहुत मन नहीं लगता है, उसकी बहुत रुचि नहीं रखती, वो तो उसी में उतरता चला जाता है क्योंकि आनंद बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ते ही चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है हाँ टाइम फ्रेम नहीं करेंगे, कोई भी समय सीमा में नहीं बांधेंगे अपने को। अगर आप लोग को थोड़ा फ्रेश अगर होना है तो फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग बैठेंगे और इसके लिए आप लोग को जो है मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग उठ करके थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, टहल करके उसके बाद फिर आ करके बैठ सकते हैं यदि आप लोग होना चाहें तो, और यदि आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग इसी समय कर सकते हैं। यदि तैयार हैं या तैयार हैं ठीक है, तो आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए जो मैंने बताया, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आपको लगता है कि हम अधिक से देर तक बैठ सकते हैं, जिस भी पोजीशन पर आप चाहें तो पैर फैला कर भी बैठ सकते हैं यदि आपको दिक्कत होती है तो, हाँ पैर फैला के भी बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो दीवार का सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी एक पोजीशन पर आपको रहना है बैठ करके जहाँ आप समझती हैं कि हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक अच्छे ढंग से बैठ के रह सकते हैं, कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए, जो भी आप पोजीशन एक लेना चाहते हैं, कोई भी एक पोजीशन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, या चेयर पर भी बैठ सकते हैं या इधर भी, कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपने जो भी पोजीशन ले लिया अब चाहे सुख आए चाहे दुख, हाँ अब कोई भी परिस्थिति आ जाए अब आपकी वह पोजीशन बदलेगी नहीं, वह पोजीशन आप अपने मन से अपने बुद्धि से नहीं बदलेंगे। एक चीज यह आपको संकल्प लेना है इस जगह पर, पोजीशन कोई भी आप ले लें जो आपको अभी सुखपूर्वक पोजीशन लगता हुआ, हाँ जिसमें आपको लगता है हम आराम से रह सकते हैं उस पोजीशन को ले लें। लेकिन एक बार जब आपने उस पोजीशन को ले लिया तो अब आपको उसी पोजीशन पर रहना है, थोड़ा भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें एक ही आपको करना है। दूसरी बात कि शरीर को अपनी तरफ से आपको हिलाना नहीं है, शरीर खुद अपने से हिलता हो तो एक बात अलग है, वो आप नहीं हिला रहे, वो अपने अंदरूनी प्रक्रिया से भले हिल रहा हो आपको शरीर को नहीं हिलाना। जैसे आप जब श्वास प्रश्वास लेंगी तो हो सकता है पेट आगे पीछे होता है, सीना आगे पीछे होता है, लेकिन वह अपने अंदरूनी प्रक्रिया से हो रहा है, आप उसको हिला नहीं रहे। तो एक पोजीशन आपको ले लेना है और शरीर अपने आप स्वाभाविक जो गति करता है उस गति में उसको रहने देना। इसके बाद आपको अपनी तरफ से हो सकता है कि आप आपकी जो श्वास प्रश्वास है वह धीमी हो जाए। श्वास प्रश्वास तेज कब होती है, जब हम लोग कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तब कठिन परिश्रम करते हैं तो श्वास प्रश्वास तेज हो जाती है, लेकिन जब हम लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो श्वास की गति धीमी हो जाएगी, सांस की लंबाई बढ़ सकती है। हाँ तो श्वास की लंबाई बढ़े धीमी हो जाए, या कभी ऐसा हो जाए कि आप इस पोजीशन पर ही, क्योंकि अभी हम लोग धारणा में जा रहे हैं इसके बाद ध्यान अपने आप आता है इसकी चरम सीमा आने पर, तो ये हो सकता है कि श्वास की गति फिर एकाएक तेज हो जाए, अरे धीमा हो जाए धीरे 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 धीरे, और एक बार धीमा होने के बाद फिर ये विद्रोह करे और वह तेज हो जाए,
लेकिन जब भी वह तेज होगा हाँ, तो हो सकता है कि पहले वाले से वो कम ही होगा, ज़्यादा चांस इसी का होगा, और फिर धीरे 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 फिर वो गिरने लगेगा, यानी इसका एक बीट बनेगा, एक बार धीमा हो जाना, उसके बाद फिर थोड़ा सा तेज होना, फिर उसके बाद धीमा होना, लेकिन हर बार जो सबसे इसका उच्चतम जो स्केल है, जहाँ जाता है, जहाँ ऊंचाई पर जहाँ जाता है, वो हर बार उससे नीचा ही रहेगा, यानी हर बार जो एक बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर घटेगा, फिर जो बढ़ेगा तो उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा था, उससे थोड़ा सा कम बढ़ेगा, इस तरीके से ये बढ़ता करता रहेगा। लेकिन आपको हर परिस्थिति में सिर्फ इसका आपको अवलोकन करना है, इसको देखना है, साक्षी भाव से इसको महसूस करना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपनी तरफ से ना इसको बढ़ाना है सांस को, ना अपनी तरफ से इसको घटाना है, स्वाभाविक रूप से ये बढ़ता है या घटता है, बस खाली आपको उसको देखना मात्र है, बस अनुभूत करना है भीतर से, देखना का मतलब आँख से नहीं, अनुभूत करना है। अब इसके बाद हम हृदय की बात करते हैं। हृदय जो है आपका हो सकता है धीमा हो जाए, कम धड़के, क्योंकि ज़्यादा आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, कम धड़केगा, धीमा 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 होता जाएगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि लगता है मेरे हृदय गति रुक जाएगी ऐसी घबराहट होती है, या सांस जब धीमी होने लगे तो साधक को ये घबराहट होती है कि लगता है सांस रुक जाएगी, अब हम मर जाएंगे, हाँ, तो ऐसा नहीं है, श्वास प्रश्वास ये अपने आप स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी, या चल भी रही है तो हो सकता है कि वो इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि चल भी रही है कि नहीं चल रही, वो इतनी धीमी हो जाएगी कि चल रही है कि नहीं चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। इसको चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम की भाषा में चतुर्थ प्राणायाम, जिसमें श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि चल रही है कि नहीं चल रही, इतनी धीमी हो जाएगी, तो उससे लेकिन आपको घबराना नहीं है कि सांस हमारी रुक जाएगी और इसके लिए हम इसको शरीर को थोड़ा ठोके पीटें तो चले जोर से, ऐसा नहीं कुछ करना है, अपने आप उसको स्वाभाविक रूप से होने देना है, तेज हो या धीमा हो या बहुत धीमा हो जाए। उसी तरह से हार्ट बीट कभी हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि जब सांस बढ़ेगी तो उस हार्ट बीट बढ़ जाएगा, क्योंकि सांस का संबंध इसके साथ है, हृदय के साथ है, फेफड़े का संबंध हृदय के साथ है, तो सांस की गति का संबंध इससे है, तो यह जो है ये एक सामान्य अवरोध है, लेकिन इससे बड़ा अवरोध जो है वह मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर अमूमन लोग फंसते हैं वह यह है कि हम लोग का दिमाग, क्योंकि सारा खेल खुराफात हम लोग का दिमाग का ही होता है, तो यह जो हम लोग का दिमाग है यह कई तरह के इंस्ट्रक्शन देता रहता है बीच बीच में, क्योंकि आसानी से जो आपने इतने वर्षों से इतने जन्मों से जो अपने संस्कार बोए हैं और उसके कारण इस शरीर को धारण किया है, तो उतने आसानी से वे क्षीण नहीं हो जाते, क्षय नहीं हो जाते, तो वह दिमाग जो है वह विचार देता रहता है, हर समय आपको इंस्ट्रक्शन भेजता रहेगा कि थोड़ा थोड़ा किया जाए, कल किया जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, ये सब दिमाग के इंस्ट्रक्शन होते हैं, या अरे इससे परेशानी बढ़ जाएगी, इससे रोग बढ़ जाएगा, हाँ इससे तुम मर सकते हो, इससे अस्थाई विकलांग हो सकते हो, कई तरह के मतलब वो खाली विचार देगा, वैसा तो होगा कुछ नहीं है, ना होगा, लेकिन वो विचार देगा कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बहुत दर्द बढ़ रहा है, हाँ, तो इस तरीके के विचार देंगे, और ऐसे ऐसे इस तरह से आपके जो संकल्प हैं उस संकल्प को वो क्षीण करने की कोशिश करेगा, और जब वह विचार इस तरह से आता रहेगा, धीरे धीरे विचार घटते जाएंगे, विचारों की जो संख्या है ना वो घटती चली जाएगी, और एक ही दो विचार आते रहेंगे, एक दो तीन विचार आएंगे, बस इतना ही, यानी अन्य विचार आपको नहीं आएंगे, देश के बारे में, अपने घर के बारे में, इन सब के बारे में नहीं विचार आएंगे, रिश्तेदारी नातेदारी नहीं आएंगे, यही दो तीन विचार आएंगे गिने चुने। अब ये जो दो तीन विचार जब आएंगे उभरेंगे, तो अब आपके पास इतनी चेतना हो जाएगी कि उसको आप रीड कर सकें, यानी वो जो दिमाग में जो वो विचार तैरेंगे जो शब्द के रूप में है, उसको आप उसको अध्ययन से किताब पढ़ते हैं ना, वैसे दिमाग में वो पढ़ सकते हैं आप, यानी आपकी अवस्था अब वो हो जाएगी कि आप विचार को अपने मस्तिष्क में जो विचार उभर रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, वे विलक्षण जैसे अक्षर जैसे स्पष्ट दिखेंगे आपको, आपको लगेगा कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, अभी आपको विचार तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उस वक्त लगेगा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है, हाँ, तो वह आपकी एक अलग अवस्था एक अलग आयाम में आपका प्रवेश हो जाएगा जब आप विचार को पढ़ने लगे, और वह विचार हम लोग मंत्र किसको बोलते हैं, वह जो एक विचार उसको मंत्र कहा जाता है, जब सिर्फ एक ही विचार आए कुछ अन्य विचार नहीं आए,
तो जब इसमें आप बैठेंगी तो अपने आप मंत्र उदित हो जाएगा, वह आपका स्वाभाविक प्राकृतिक वास्तविक मंत्र है। वह मंत्र जो किसी ने दिया है कान में फूंक करके, वह वास्तविक मंत्र नहीं है। वास्तविक मंत्र वह है जो अपने आप भीतर से उत्पन्न होता है। तो उस वक्त जैसे तीन विचार आएंगे, धीरे धीरे दो विचार जाएंगे, या एक ही विचार आएगा, अरे मर जाओगे, अरे मर जाओगे, अरे मर जाओगे, यह एक मंत्र है। जान लीजिए, आपको भले लगता हो कि इसमें राम का शब्द नहीं है, इसमें कृष्ण का शब्द नहीं है, दुर्गा का शब्द नहीं है, तो ये मंत्र नहीं है, लेकिन यही मंत्र है। मंत्र की परिभाषा का तथ्य यही है। अगर यह विचारित मन आ रहा है, अरे मर जाओगे, अरे मर जाओगे, यही मंत्र है। अब आप देखिए, पहले आपके पास अध्याय थे, अगर मैं पुस्तक की भाषा में बात करूँ, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अध्याय है। हाँ, अब इस अध्याय में, एक अध्याय में कई पैराग्राफ होते हैं, कई स्टंजा होते हैं, उसमें कई वाक्य होते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इसमें बैठेंगी तो कुछ ही वाक्य रह जाएंगे। मैंने विचारों को मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये परिस्थिति आएगी, और असली सारा खेल दिमाग का ही है, बाकी खेल तो हल्के फुल्के हैं निपट लेने वाले, लेकिन यह निपट लेने वाले नहीं है, इसीलिए इसको अच्छा समझा रहा हूँ। तो धीरे धीरे तीन चार विचार रह जाएंगे। अब तीन चार विचार रह गए, फिर तीन चार वाक्य ही रह गए पुस्तक में, बाकी पुस्तक गायब हो गई। अब तीन चार वाक्य रह गए, अब उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ एक वाक्य रह जाएगा, अरे मर जाओगे, अरे मर जाओगे, मान लीजिए। अब यह जो एक रह गया, इसमें मान लीजिए कि तीन शब्द हैं, अरे मर जाओगे, तीन ये शब्द हैं। अब ये तीन शब्द जो हैं आपको दिख रहे हैं अच्छा से। अब इसके बाद ये जो तीन शब्द हैं, जब और ध्यान गहरा होता जाएगा तो ये तीन शब्द भी घटने लगेंगे। हाँ, वो खाली मर जाओगे होगा, दो शब्द में आ जाएगा। हाँ, फिर चूंकि इसमें इसमें अरे मर जाओगे में, अरे तो संबोधन है आपके लिए, हाँ, और जाओगे में तो उसको जो है क्रिया के रूप में है, लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज जो है, जो उसका संकेत है, वो मरना है। वो सिर्फ मर मर बताएगा क्योंकि अब बाकी चीज आप नहीं दिमाग में उभरेगा, सिर्फ मर 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 शब्द आएगा, यानी मर आ जाएगा। हाँ, तो अब ये जो है, अब आप जो है वाक्य से फारिग हो, और शब्द से भी फारिग हो गए, अब आप म और र यानी दो वर्ण पढ़ा दो, जैसे बच्चे पढ़ाए थे ना क ख ग, अब आपके पास सिर्फ म और र है, और संसार का कुछ नहीं है। संसार की हर चीज आपकी खत्म हो चुकी है सिर्फ म और र के सिवाय, खाली म और र है जो ये आपको संसार से भी जुड़े हुए हैं, म और र। हाँ, अब यह जो म है और र है, या जब हम लोग म बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, म बोलते हैं। अगर म का विश्लेषण किया जाए तो इसमें क्या है, इसमें अ की ही मात्रा है, अ की ही मात्रा से म है। अगर म को अगर हमको बोलना पड़े लंबे अर्थ में, तो देखिए कि ये जो अ है, धीरे धीरे म और र आपको पता चलेगा ये ध्वनियां ऐसे, अब विचार में आप ध्वनि हो जाएगी। तो निर्ध्वनि की अवस्था समाधि में एक निर्विचार की अवस्था होती है, सविचार समाधि होती है, जिसमें विचार आते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए तीन वाक्य आ रहे हैं, वो सब विचार समाधि है। अगर सिर्फ तीन ही वाक्य आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप समाधि में उतर गए, ध्यान से आगे चले गए। और उसमें अगर मर जाओगे है, तो अभी यह सब विचार है, लेकिन अब यह मंत्र के रूप में हो चुका है, और बहुत जल्दी यह निध्वनि की अवस्था में जाने वाला है। तो इसके बाद यह ध्वनि सिर्फ रह जाएगी, म और र सिर्फ ध्वनि है। अब इसके बाद म और र की जो ध्वनि है वह सिर्फ अध्वनि में बदल जाएगी, फिर सिर्फ आपके लिए संसार से एक ही शब्द अ होगा। और यह जो है विचार नहीं है, यह ध्वनि है, और ध्वनि में भी सबसे सूक्ष्म ध्वनि है, जिससे सारी ध्वनियां बन रही है। अब अ हो जाएगा, अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, सिर्फ जो है ये ध्वनि है। और जैसे विद्युत है, वो करंट करंट है, या कोई हम ध्वनि निकालते हैं तो वो सिर्फ ऊर्जा ऊर्जा है, तो सिर्फ ये ध्वनि ध्वनि रह जाएगा आपके मस्तिष्क में, पूरे जेहन में खाली अ का गुंजान हो। अब यह जो अध्वनि है, फिर यह कहाँ से प्रकट होगी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। अभी संक्षेप में आपको बताने के लिए इतना है, मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यही था कि वह जो आपको वाक्य आएगा मर जाओगे वाला, उससे आपको सचेत करना था। और इसके बाद एक चीज़ और से सचेत करना है, क्योंकि हम लोग जाने के पहले इन सब चीज़ों को बता देना आवश्यक होता है, ताकि आप वहाँ से अपने आप ही जो है अपने दिमाग से काम कर सकें। जब हम लोग की श्वास की गति धीमी होने लगती है, जब दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, ये मरने के समय होता है। आपको बता दूं, जब आप लोग मृत्यु के समय पहुंचेंगे, कोई भी मृत्यु से पहुंचता है, तो श्वास की गति धीमी होने लगती है, दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, दृष्टि धुंधली होने लगती है, ध्वनि कम सुनाई होने लगती है,
विचार घटने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो मनुष्य के सामने एक गहन अंधकार सा छाने लगता है। कितने को अंधेरे से डर लगता है, जिनको अंधेरे से डर लगता है इसका मतलब वे ध्यान से उतने दूर हैं। हाँ, वो एक अंधेरा जैसा छाने लगेगा, और आपको अंधेरे से डरना नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक अंधेरा छानेगा पूरे दिलो दिमाग, और प्रकाश में रहने से डर लगता है, अरे कहाँ उतर गए हैं, खाली अंधेरा अंधेरा ही है। तो अंधेरा जैसा छाएगा, जैसे अभी आँख बंद कर लें तो अंधेरा हो जाएगा, आँख बंद करने से आदमी को घबराहट होने लगती है, कितने को इसे तुरंत आँख खोल देते हैं डर से। तो अंधेरा अंधेरा होने लगा, आपको उसे घबराना नहीं। इसके बाद जब ये सब सांस की गति और दिल की धड़कन की गति और विचार घटने लगते हैं, उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कहीं बहुत ऊंचाई से आपको फेंक दिया गया, और वह जो हल्कापन है छलांग जैसा, हाँ, उसका भय हो सकता है। हाँ, लगेगा पूरा शरीर पूरा हल्का हो गया, शरीर में का वजन घटने लगता है, और वह जैसा लगेगा हल्कापन तो उसमें लगेगा कि हम गिर रहे हैं तेजी से और फ्लोट कर रहे हैं, बह रहे हैं। ये समाधि हो जाएगी? क्यों नहीं होगा, आज से क्या मतलब है, ये अभी होगा। हाँ ठीक। तो वह जो है अब आपके आपने से अलग अलग की जैसी जैसी क्षमताएं हैं, तो वो जो फ्लोट जैसा महसूस होगा गिरने जैसा, तो आपको घबराना नहीं है, यानी कि तुरंत आंखें खोल दिए, क्योंकि भय से आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुलने का मतलब कि आप पूरा पहले वाली पोजीशन पर आ गए। अच्छा। हाँ, तो एक यह होगी, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आप चाहे बह रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको इसी संकल्प के साथ जाना है कि शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो रहा हो, घटनाएं कुछ भी आएंगी, मुझे सिर्फ गवाह है के रूप में रहना है, मुझे सिर्फ गवाह के रूप में रहना है, अवलोकन करना है, देखना क्या क्या होता है, एक दृष्टा के रूप में। अगर खुल जाती है तो फिर आपका फिर शुरू होगी, या तो फिर से प्रक्रिया शुरू होगी, आपको उस जगह पर जाने में फिर समय लगेगा। हाँ, फिर जैसे आप वापस आ गए तो फिर जाने में समय लगेगा। तो उस जगह पर जब चली गई आपका चित्त, वहाँ चला गया था तो वहाँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग के कई जन्मों के कई संस्कार होते हैं जो कि ग्रंथियों में हम लोग के दिमाग में रखते हैं, वे संस्कार खुलने लगते हैं, तो कई जन्मों के दृश्य भी आपको दिख सकते हैं, कोई दृश्य दिख सकते हैं, वे आदमी भी दिख सकते हैं जो आपके जाने पहचाने नहीं थे, उनका चित्र आपके दिमाग में कैद है, वो निकल जाता है। जैसे कि चिप में बहुत सारा वीडियो होता है, मोबाइल में लगाते सब वीडियो निकलने लगता है, तो उसी तरह से हम लोग का दिमाग एक चिप की तरह है जिसमें कि सब चीज़ कैद है, और जब आप उसमें छेड़ देंगे तो वे सब सारे दृश्य दिख सकते हैं, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं दिख सकती हैं आपको। हाँ, कुछ आपको अजीब लग सकती हैं, कुछ आपके अनुकूल लग सकती हैं, कुछ आपके जाने पहचाने लग सकते हैं, कुछ अनजाने लग सकते हैं, कुछ भयानक लग सकते हैं। हाँ, जैसे एकाएक आपको मान लीजिए सांप ने डस लिया, लगे सांप ने काटे, तुरंत आपकी आँख खुल सकती है, लेकिन आपको उसे खोलना नहीं, या किसी ने चाकू भोंक दिया आपको, हाँ, तलवार से काट दिया, इस तरह के दृश्य अगर ये आपको दिख जाए, या पानी में डूब रहे हैं, छटपटा रहे हैं, या गला सूख रहा है, कई तरह के दृश्य हो सकते हैं, तो उन सारे दृश्यों से आपको संलग्न नहीं होना है, मेरे कहने का मतलब इतना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है आपको, वो एक दृश्य है। आप समझिए कि आप फिल्म एक देख रहे हैं, कितने लोग फिल्म में भी रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, ऐसा कि उसको सचमुच हो रहा हूँ उनके साथ, लेकिन एक जो देखने वाला है उस जानता है कि ये तो सिनेमा है, वह असल में एक दृश्य की तरह देखता है। तो आपको ऐसे देखना है दृश्य की तरह से, ऐसा सिनेमा नहीं देखना है, ऐसा सीरियल नहीं देखना है जिसमें कि आप जो है सीरियल देखते हैं तो उसके साथ लिप्त हो जाते हैं, इतना लिप्त हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरे घर का एक पार्ट है वो सीरियल, हाँ, और आपको लगता है कि उसमें शादी हो रही तो मेरा भी निमंत्रण कार्ड आ सकता है। तो ऐसा आपको उसमें नहीं होना है। आपको एक दृश्य समझना है कि मेरा ये एक दृश्य है बस, तो जितनी भी घटनाएं घटेंगी वह एक दृश्य के रूप में, चाहे आपको सांप काटे, चाहे आपको किसी ने फरसे से काट दिया, या गोलीबाजी, या जो भी कर दिया, बम विस्फोट हो गया, जो भी होगा वह एक दृश्य है, बस आपको इतना जानना है। तो उस भय से फिर क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फिर वहां से वापस आए, आपको जितना गहरा से गहरा अनुभूति हो सकती है वो होने देना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब वहां आपको भय का संचार नहीं होगा, क्योंकि भय आपको तुरंत वापस यहां पर ला सकता है पोजिशन पर। इसके बाद फिर एक जो है दिक्कत आती है, आम दिक्कत,
कि चूंकि अभी आप लोग का दिमाग जो है कितना एंडोर्फिन अभी इकट्ठा किया है ये तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन दिमाग की बैटरी कितनी चार्ज है, क्योंकि दिमाग की बैटरी अगर चार्ज नहीं होती है और यदि आप थके थके हैं, मान लीजिए या बहुत भारी खाना खाए हुए हैं, थके हुए हैं, और ये चूंकि शाम का भी समय है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग के दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है और होता क्या है, आदमी को नींद आने लगती है, झोंके आने लगती है, ये शुरुआत में आता है, नींद आने लगती है, तो आप ऐसे से झुकने लग सकती हैं, ये हो सकता है, तो नींद भी इसमें एक बाधा है, लेकिन आपको इससे बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि नींद तभी तक आती है ना जब तक कि दर्द की शुरुआत नहीं होती। जब आपका शरीर में दर्द होने लगेगा तो नींद तो गायब हो जाएगी, कोई भी नींद हो, तो बस खाली आपको बैठना है अपने एक पोजीशन पे, जो भी पोजीशन बनाएं। गुरु जी ऐसा है कि ये लोग हमको लगता है ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने आज एक इंस्ट्रक्शन तो दे दिया है, एक समझाने का काम तो कर दिया है, इसके बाद फिर अगले बार हम लोग बैठ सकते हैं, बैठने वाला काम कर लेंगे, आज तो समझने वाला काम तो कर लिया है ना, हाँ जो करेगा फिर रुक सकता है एक घंटा, मतलब तो ऐसा भी हो सकता है कि आज आप लोग क्योंकि सैद्धांतिक रूप से समझ गई है, अब अगली बार की जो मीटिंग में साथ बैठ करके वैसा कर सकते हैं, वह भी हम लोग कर सकते हैं, या यदि आप तैयार होकर के ही आई हैं इसके लिए तो फिर तो फिर हम लोग बैठ सकते हैं, अगर तैयार होकर के ही आए हैं तो जो नहीं बैठ सकते हैं तो वे चली जाएं और जो बैठ सकती हैं वे रहें, क्योंकि जिन लोगों ने बैठने का मन बनाया है इसमें वे रहें, और जिनके पास समय नहीं है, जिनको कोई और अन्य काम है, वे जा सकती हैं, वे चली जाएं, वे किसी अन्य रोज फिर अपना देखें। या आप लोग एक सामूहिक निर्णय ले लें, क्योंकि आप लोग कोई निर्णय लेना है, अच्छा लगे।